और बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 45 घंटे की साधना थी वो पूरी हो चुकी है। आज 3 बजे वो 45 घंटे पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी की ध्यान साधना संपूर्ण हुई। विवेकानंद ड्रॉप मेमोरियल से प्रधानमंत्री रवाना हुए, ये खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो ध्यान साधना थी 45 घंटे की वो पूरी हो चुकी है और इस दौरान तरल पदार्थों का ही सेवन किया था प्रधानमंत्री ने। यहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे तक ध्यान साधना की थी और वो पूरी हो चुकी है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ध्यान साधना की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के भीतर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 45 घंटे तक इन्होंने ध्यान लगाया और उसके बाद इनकी यहां से रवानगी हो चुकी है। कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री निकले, पीएम मोदी ने 45 घंटे तक ध्यान साधना की। देश में चर्चा का विषय भी था, ऑपोजिशन तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहा था, नाराजगी भी जता रहा था। प्रधानमंत्री लेकिन अपने ध्यान साधना में लीन थे। 45 घंटे का यह ध्यान साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो था, यह संकल्प जो था वो पूरा हुआ और यहां से पीएम की रवानगी क्रूज के जरिए हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी की, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह भव्य दिव्य खूबसूरत रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक ध्यान साधना की, ध्यान साधना में लीन रहे और इस ध्यान साधना को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। जी न्यूज पर यह वीडियो इस वक्त आपके सामने चुकी। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, दर्शकों को बताना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान साधना में लीन थे, बैठे हुए थे, उस वक्त की ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। माथे पर वो तिलक चंदन लगाए हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें, खत्म हो चुका है अब इनका ध्यान साधना। जो 45 घंटे का था वो सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। ध्यान में लीन थे प्रधानमंत्री 45 घंटे तक। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां समुद्र के बीचों बीच ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है और यहीं प्रधानमंत्री मौजूद थे। ये क्रूज की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी रवानगी जब हुई, यहां से निकले इस क्रूज के जरिए, प्रधानमंत्री की ये तस्वीर और प्रधानमंत्री की अब दिल्ली वापसी हो रही है। 45 घंटे तक यहां ध्यान साधना में थे। ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। जी न्यूज आपके लिए लेकर आया ये वीडियो। प्रधानमंत्री यहां से निकले और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। देखिए, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था, लेकिन ऑब्जेक्शन तमाम पार्टियों की तरफ से उठाया गया। कोई चुनाव आयोग तक पहुंच गया, कोई कोर्ट तक पहुंच गया, इसको लेकर के सबने अपनी अपनी बातें सामने रखी थी। और ये माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 45 घंटे की ध्यान साधना संपूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल से यहां निकले क्रूज के जरिए। इनकी रवानगी दिल्ली के लिए हो चुकी है, यहां से निकले हैं और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ध्यान साधना खत्म करने के बाद की ये तस्वीर। आगे यकीनन 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उसके लिए भी आश्वस्त, इस बार एक बार फिर बीजेपी एनडीए की तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर जितने भी चुनावी वादे, दावे, चुनावी भाषण, संबोधन, प्रधानमंत्री का भी आपने हर मंच से, अलग अलग राज्यों से, जिलों से सुना होगा, उससे इतर यह खूबसूरत तस्वीर प्रधानमंत्री की, उनके व्यक्तित्व की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं ध्यान साधना में लीन, जो काम इन्होंने इलेक्शन के वक्त में किए, लोगों से जनसंवाद किया, पूरी ताकत झोंक दी। एक दिन में 2 रोड शो, कई जनसभाएं इनकी हुआ करती थी, वो भी अलग अलग राज्यों में। वो सब कुछ संपूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री ध्यान साधना में लीन नजर आए और ये पीएम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रधानमंत्री की। ये जो साधना है, जब उसकी शुरुआत हुई थी उसकी भी तस्वीर आपके सामने थी और साधना के बाद की तस्वीर भी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना संपूर्ण होने के बाद की तस्वीर। साधना तो खत्म हो गई, सियासत जब से ये ध्यान साधना की खबरें सामने आई थी, हमने दिखानी शुरू की थी, तब से शुरू हो गई थी और आगे भी ये जारी रहेगी। बहुत सारे रिएक्शन सामने आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, उनके अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया था कि ये फिजूल खर्ची है, इस तरीके की बातें कही गई। अभी हाल में हमने आपको सुनवाया, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से समुद्र की तरफ वो हाथ जोड़े खड़े थे, जनता की तरफ उनकी पीठ थी, जनता उनको खदेड़ देगी, इस तरीके की बयानबाजियां भी सुनने को मिली है।